हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए स्कूल मैनेजमेंट की क्लासें यानी कि टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपनी 9 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 10वें नंबर की क्लास है और आज अपना इसमें टॉपिक रहेगा ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और एडुसेट। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है, तो आप वहां जाके सारे के सारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, एडुसेट उपग्रह की जगह भारत का कौन सा ग्रह प्रतिस्थापित किया गया। एडुसेट उपग्रह की जगह भारत का कौन सा उपग्रह प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों उपग्रह है ये, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो चार ऑप्शन आपके पास में है, GSAT-3, GSAT-10, GSAT-14 या कोई नहीं। एडुसेट उपग्रह की जगह भारत का कौन सा उपग्रह प्रतिस्थापित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा GSAT-14। सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों GSAT-14 इस उपग्रह को 5 जनवरी 2014 को 12 वर्ष के लिए इसरो द्वारा स्थापित किया गया है, क्योंकि एडुसेट की अवधि 7 वर्ष की थी। याद रखना, एडुसेट की अवधि 7 वर्ष की थी और GSAT-14 की अवधि है वो दोस्तों 12 वर्ष के लिए है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है, भारत प्रथम कृत्रिम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है। भारत का प्रथम कृत्रिम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से मन में दोस्तों इसका उत्तर सोच लो क्या होगा। तो देखो चार ऑप्शन आपके पास में है, GSAT, कल्पना, इनसेट और आर्यभट्ट, तो दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों GSAT। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एडुसेट की स्थापना है 20 अप्रैल 2004 को श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। तीन नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी एडुसेट समर्थित प्रारंभिक शिक्षा परियोजना का कार्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है। राजीव गांधी एडुसेट समर्थित प्रारंभिक शिक्षा परियोजना का कार्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है, दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है, जयपुर, विशाखापट्टनम, जबलपुर, शिलोंग, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से दोस्तों मन में सोच लो क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। 15 नंबर आएंगे दोस्तों फर्स्ट पेपर के अंदर, एडुसेट के 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। एडुसेट के भारत में कितने नेशनल बीम के केंद्र खोले गए हैं, तो कितने खोले गए हैं दोस्तों ये बताना है अपने को इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबको पता होना चाहिए दोस्तों ये, भारत में कितने नेशनल बीम केंद्र खोले गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2, 3, 4, 5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, एडुसेट एक कृत्रिम उपग्रह है इससे संबंधित है, तो दोस्तों इससे संबंधित क्या है वो अपने को इसमें बताना है। चार ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ, तो इसमें देखो दोबारा देख लेना प्रश्न को, सुन लेना एक बार वापस, एडुसेट कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, एडुसेट एक कृत्रिम उपग्रह है इससे संबंधित है, तो इससे संबंधित क्या है ये बताना है अपने को। तो इसमें देखो यह भूमध्य रेखा से 19.2 डिग्री पर तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है,
न्यूनतम 7 साल के लिए और अधिकतम 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में स्थापित है। इसमें और देखो, इसमें 6 क्यू बैंड ट्रांसपोर्टर तथा 1 एक्सटेंडेड सी बैंड ट्रांसपोर्टर लगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 KU बैंड तथा 1 एक्सटेंडेड सी बैंड अवधि 7 वर्ष, प्रमोचक यान GSLV-01 सह स्थित उपग्रह, कक्षा भूस्तर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 36,000 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ये है दोस्तों एडुसेट का, तो डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में एडुसेट योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो राजस्थान में एडुसेट योजना का दोस्तों प्रारंभ है वो कब हुआ? चारों ऑप्शन आपके पास में है, अप्रैल 2004, अप्रैल 2005, अप्रैल 2006, अप्रैल 2007। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अप्रैल 2006, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में इस योजना का प्रारंभ है वो 22 अप्रैल 2006 को शिक्षा संकुल जयपुर से किया गया था। वर्तमान में राजस्थान में इसकी 49 साइट हैं, ठीक है, 49 साइट्स हैं, 33 डाइट्स, 8 CTE, 1 CRET और 2 है वो IASE प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर शिक्षा संकुल जयपुर। दोस्तों टोटल कितनी है? 49 साइटें हैं, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। एडुसेट उपग्रह संचार उपलब्ध कराता है, एडुसेट उपग्रह संचार उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों एक तरफा संचार, दो तरफा संचार, ए और बी दोनों, एक प्रकार का संचार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए और बी दोनों, एक तरफा संचार और दोनों दो तरफा संचार। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित शैक्षिक टीवी चैनल है, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित शैक्षिक टीवी चैनल है, तो दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ज्ञान दर्शन फर्स्ट, ज्ञान दर्शन सेकंड, ज्ञान दर्शन थर्ड या तीनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ज्ञान दर्शन सेकंड। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एडुसेट का प्रमुख उद्देश्य है, तो दोस्तों एडुसेट का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो देखो मैं आपको इसमें 4 ऑप्शन बता देता हूँ, भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम विकसित करना या उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। देखो एडुसेट के उद्देश्य क्या क्या है, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, व्यापक स्तर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना, सर्वश्रेष्ठ संदर्भ व्यक्तियों द्वारा अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करना, विषय वस्तु की रिकॉर्डिंग करने हेतु पुनः प्रसारण कर समय शक्ति धन की बचत करना। तो दोस्तों ये है एडुसेट के प्रमुख उद्देश्य, तो इसमें राइट आंसर इस प्रश्न का तो क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न, इसमें देखो ज्ञान दर्शन, दोस्तों ज्ञान दर्शन क्या है? तो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ज्ञान दर्शन क्या है? तो देखो एक शैक्षिक टीवी चैनल जो शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा का 24 घंटे प्रसारण करता है, इसका प्रसारण दूरदर्शन भारती द्वारा किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न, इसमें देखो ज्ञान दर्शन चैनल का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? ज्ञान दर्शन चैनल का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास में है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इग्नू व प्रसार भारती, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्ञान दर्शन चैनल का निर्माण है ये
उपरोक्त सभी के निर्माण से हुआ है, ठीक है, इन तीनों के निर्माण से हुआ है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान दर्शन शैक्षिक टीवी चैनल का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान दर्शन शैक्षिक टीवी चैनल का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये अपने को इसमें बताना है। देखो, प्रौढ़ शिक्षा प्रचार करना, सामने स्कूल व कॉलेज शिक्षा का प्रसार करना, सॉरी सामान्य है ये, ठीक है, सामान्य स्कूल व कॉलेज शिक्षा का प्रसार करना, तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना, विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ पहुँचाना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वो है शैक्षिक शिक्षा का प्रसार करना। ज्ञान दर्शन शैक्षिक टीवी चैनल का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना। बाकी के दोस्तों इसमें सारे के सारे बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, तेरह नंबर प्रश्न, ज्ञान दर्शन प्लीज एकलव्य की नोडल एजेंसी है। ज्ञान दर्शन सेकंड है दोस्तों, ठीक है, ज्ञान दर्शन सेकंड एकलव्य चैनल की नोडल एजेंसी है, तो वो कौन सी है दोस्तों। चार ऑप्शन आपके पास में है, NCERT, CIET, IIT और उपरोक्त सभी। दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों IIT, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा IIT, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारत में FM रेडियो तरंगों का आयाम होता है। भारत में FM रेडियो तरंगों का आयाम होता है, तो दोस्तों क्या होता है, तो देखो 87.58 108 MHz, 80 से 105 MHz, 91.5 से 110 MHz, 85.5 से 105.5 MHz। तो क्या होगा इसका सही उत्तर दोस्तों, 87.58 से 108 MHz, तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में ज्ञानवाणी का प्रसारण जयपुर में कितने MHz पर होता है। राजस्थान में ज्ञानवाणी का प्रसारण जयपुर में कितने MHz पर होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 105.6 MHz पर, ठीक है। याद रखना, राजस्थान में ज्ञानवाणी का प्रसारण जयपुर में कितने MHz पर होता है, तो 105.6 MHz पर, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में वास्तविक रूप से ज्ञानवाणी की शुरुआत कब से हुई। भारत में वास्तविक रूप से ज्ञानवाणी की शुरुआत कब से हुई, दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से दोस्तों मन में इसका उत्तर सोच लो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 7 जुलाई 2003, ठीक है, भारत में वास्तविक रूप से ज्ञानवाणी की शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2003 से, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, ज्ञानवाणी का उद्देश्य है, तो दोस्तों ज्ञानवाणी का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसमें देखो, अनौपचारिक शिक्षा और रोजगार समाचार उपलब्ध कराना, समाज का शैक्षिक व सामाजिक विकास करना, समाज में उपेक्षित वर्गों का सशक्तिकरण करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये तीनों ही सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इसके अंदर सही है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, ज्ञानवाणी का प्रसारण कौन सी भाषा में नहीं होता। ये तो दोस्तों सबको आना चाहिए, ज्ञानवाणी का प्रसारण कौन सी भाषा में नहीं होता, तो देखो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, क्षेत्रीय भाषा, चार ऑप्शन आपके पास में है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो है उर्दू, कौन सी हो जाएगी, उर्दू। ज्ञानवाणी का प्रसारण कौन सी भाषा में नहीं होता, उर्दू में, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, ज्ञानवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण कितने घंटे किया जाता है। ज्ञानवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण है वो कितने घंटे किया जाता है, 24 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे, क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो है
16 घंटे, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो ज्ञानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण का दायित्व किसे दिया गया है। ज्ञानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण का दायित्व किसे दिया गया है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है जल्दी से दोस्तों इसका उत्तर सोच लो क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्नू, IGNOU, ठीक है इग्नू को दिया जाता है दोस्तों इसके कार्यक्रम का प्रसारण का दायित्व है, तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में विद्यालय शिक्षा के प्रसारण के ज्ञानवाणी कार्यक्रमों को तैयार किसके द्वारा किया जाता है। दोबारा देखो, राजस्थान में विद्यालय शिक्षा के प्रसारण के ज्ञानवाणी कार्यक्रमों को तैयार किसके द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास में है, शिक्षा संकुल जयपुर, RSCERT, IASE, BSER। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है RSCERT, ठीक है के द्वारा किया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बी नंबर का ऑप्शन। तो दोस्तों ये हो गए आज का अपना 10वां चैप्टर कंप्लीट, जिसका नाम था ज्ञान दर्शन, एडुसेट और ज्ञानवाणी, शिक्षा में नवाचार। तो दोस्तों ये अपना आज 10वां नंबर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर पिछले वीडियो किसी ने नहीं देखे हैं तो दोस्तों उनको जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ फोल्डर बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो आप वहाँ जाके सारे के सारे देख सकते हैं। 10 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, कल आएगा अपना 11वां नंबर का टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी आराध्या आर एस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक पे शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।